सो हेलो माई डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी योर होस्ट हर्ष एंड यू आर वॉचिंग टेक ड्रॉप्स। एंड ये वीडियो 4 महीने बाद आ रही है, सो आई वॉज बिजी विद सम स्टफ। सो या सो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पिक्सल 4 एक्सेल के ऑफिशियल पोर्ट को, मतलब ऑफिशियल पोर्ट नहीं, मतलब पिक्सल 4 एक्सेल से डायरेक्टली पोर्टेड रोम को। सो ये रोम डायरेक्टली पोर्टेड है फ्रॉम गूगल पिक्सल 4 एक्सेल, और यहाँ पर आप लोग एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर आपको 10 देखने को मिल जाता है। एंड सिक्योरिटी अपडेट आपको मई 5 का मिल जाता है। कर्नल इसमें आपको अज्यूर मिल जाता है, अज्यूर कर्नल फॉर आर रेडमी नोट 7 प्रो। सो ये रोम रेडमी नोट 7 प्रो के लिए है, अगर आपने टाइटल में नहीं पढ़ा और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये रोम बिल्कुल स्टॉक है, इसमें कोई ब्लोटवेयर कुछ नहीं है, कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है, बिल्कुल प्योर पिक्सल 4 एक्सेल से पोर्टेड रोम है डायरेक्टली। और आप लोग इसमें स्मूथनेस देख सकते हैं, स्मूथनेस तो वही है जो आपको ASP रोम से मिलती है टिपिकल, बट या इट इज़ मोर देन दैट। सो यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, जो कि गूगल पिक्सल 4 में ही, जो गूगल पिक्सल डिवाइसेस के लिए ही अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वो गूगल पिक्सल है, व्हाट्स द वेदर आउटसाइड, सो यू कैन आस्क एनीथिंग, यू नो लाइक कुछ इस तरीके से ये नीचे से आता है और देखने में काफ़ी कूल लगता है और काफ़ी मिनिमल है, छोटा सा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसको, तो कुछ इस तरीके से ये है। इसमें ये अलग से फीचर है। एंड और मैं अगर सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पर आपको वाईफाई वगैरह जो है वो सब कुछ वर्किंग है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें कि इसमें ये बग है, वाईफाई का बग होगा, हॉटस्पॉट का बग होगा, ऐसा कुछ इसमें बग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसमें ब्लूटूथ वगैरह सब वर्किंग है, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पर बैटरी वगैरह भी इसमें 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है बेसिक यूजेज में, मतलब ठीक ठाक यूजेज में आपको 9 घंटे तक का भी बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाता है, तो बैटरी बैकअप का तो कोई इशू है नहीं इसमें। और यहाँ पर डिस्प्ले सेक्शन में आपको डार्क थीम मिल जाती है बेसिक, और यहाँ पर आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं आप चाहें तो। और यहाँ पर बेसिक ऑप्शंस हैं, कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन है जो कि आप ऑन कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर साउंड वगैरह सब वर्किंग है। सिस्टम का साइज दिखा देता हूँ मैं, तो वो है 12 GB का एप्पल। एंड अगर सिक्योरिटी में जाए तो यहाँ पर आपको पिक्सल इम्प्रिंट मिलता है फिंगरप्रिंट की जगह, मतलब नाम बस अलग है, बाकी है तो फिंगरप्रिंट स्कैनर ही। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर वर्किंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन टच करा और हमारा जो फ़ोन है वो अनलॉक यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक देने को नहीं मिलता है क्योंकि ये पिक्सल 4 एक्सेल से पोर्टेड है, तो वो वाला फेस अनलॉक इसमें वैसे भी वर्क नहीं करने वाला। तो और जो जो बाकी रोम्स में आता था फेस अनलॉक, अब वो भी रिमूव कर दिया गया है मोटो की गाइडलाइंस के हिसाब से। और यहाँ पर अगर अकाउंट में आएंगे तो गूगल के आपको इसमें GF स्लैश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पिक्सल 4 से पोर्टेड है, तो GF तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे यार, ठीक है। तो GF अलग से फ्लैश करने की कोई नीड नहीं है, पहले से ही आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और डिजिटल वेलबिंग की बात करें तो वो इसमें अच्छे से वर्क करता है। एंड यहाँ पर सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गेस्चर्स में मिल जाएंगे कुछ ये क्विक गेस्चर्स जो कि वर्क नहीं करते हैं क्योंकि इसमें आपको मोशन सेंसर जो है वो देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको गूगल पिक्सल में मिलता है। तो ये तो यहाँ पर डिसेबल रहेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जो बेसिक आपको रोम्स में देखने को मिल जाते हैं, जो कि सही से वर्क करते हैं। मोशन सेंस यहाँ पर ऑफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला ऑफ है, ऑफ ही होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर आपको कुछ अपडेट वगैरह OTA अपडेट्स भी इसमें मिल जाते हैं। तो बेसिक यहाँ पर अबाउट फोन में जाएंगे तो वही बेसिक डिटेल, कुछ खास है नहीं, बस ये इस रूम में। और आपको नोटिफिकेशन पैनल में कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है जो कि वर्किंग है, कोई इशू नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डर में भी। और यहाँ पर अगर होम सेटिंग्स में जाएंगे तो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टाइल सेक्शन में कुछ ये ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज चूज़ कर सकते हैं, आइकन चूज़ कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप कलर चूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ अगर वॉलपेपर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कमिंग अलाइव में कुछ ये वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, ये पोकेमोन वाले भी इसमें वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा कितनी जल्दी ये डाउनलोड होते हैं। सो लेट्स वेट, ओके।
तो यहाँ पर ये वॉलपेपर भी देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वॉलपेपर चाहिए तो आप लोग मेरा वॉलपेपर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वॉल ड्रॉप्स, आपको उसमें ये देखने को मिल जाएगा होपफुली। ओके, लिंक सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप लोग हमारा टेक ड्रॉप्स टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको रोम से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो अब मैं वहाँ पर रेगुलर होने वाला हूँ और इस चैनल पे भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, रोज़ तो नहीं बट जब भी कुछ अच्छी रोम आएगी या फिर कुछ रिवॉल्यूशनरी चीज़ आएगी वॉलेट कम्युनिटी में तो आपको वो देखने को जरूर मिलेगी, और आपको टेक्स रिलेटेड वीडियोस तो नॉर्मल देखने को मिलती ही रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है। सो देखते हैं वॉलेट पर डाउनलोड हुआ है या नहीं। सो या वॉलेट पर यहाँ पर हमारा जो है वो डाउनलोड हो चुका है और हम इसको सेट कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी वॉलपेपर हमारा डाउनलोड हो चुका है एंड इट्स वर्किंग परफेक्ट। सो या आप लोग इसमें ये वाले वॉलपेपर्स को भी ऐड कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें मिलती हैं, रोम काफ़ी स्मूथ है, रैम मैनेजमेंट के नाम पे भी काफ़ी सही है रोम, रैम मैनेजमेंट भी इसमें काफ़ी अच्छा है। और हाँ, इसमें आपको ANX कैमरा आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, जिसमें कि मेरे में जो ब्लॉग मोड है वो वर्किंग नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे में जो ब्लॉग मोड में कुछ इश्यूज़ हैं, आई डोंट नो व्हाई। मैं यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ ये कुछ ऐसे शो होता है और यहाँ पर ये ब्लैक हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई, मेरे में ही ऐसा है, होपफुली आपके में नहीं हो या फिर आप अपडेट करके देख सकते हैं अपना ANX कैमरे का वर्जन। सो मे बी उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हों। बाकी तो फोटोज़ वर्किंग है, अल्ट्रा पिक्सल में आपको 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपने ANX में, और पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है इसमें, नाइट मोड मिल जाता है, मी इमोजी देखने को मिल जाती हैं जो कि कुछ कुछ आईफोन की इमोजी से कॉपीड हैं, तो Xiaomi कॉपी करने में तो कोई पीछे रहता ही नहीं है। और यहाँ पर ये प्रो मोड देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बेसिक अगर बताऊँ कि आप लोग इस रोम को डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ आप लोग इसको डेली बेसिस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, रोम डेली बेसिस के हिसाब से यूज़ करने लायक है। तो आई रिकमेंड कि आप लोग इसको फ्लैश करें, और या आप लोग फ्लैश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस रोम में, मैंने तो कोई अभी तक बग जो है इस रोम में फेस नहीं किया है, और अगर आप लोगों ने फेस किया है तो नीचे कमेंट आप लोग कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दिस वॉज ऑल अबाउट द Pixel 4 XL पोर्ट फॉर आर वॉलेट डिवाइस। आई होप वीडियो को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज मी योर होस्ट हर्ष एंड आई एम साइनिंग आउट। बाय।